हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गोरल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विशाल गोरल टेक। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूं और इस वीडियो में आपके जानकारी बढ़े इसलिए ये वीडियो बनाता हूं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो कोई भी व्हीकल है जो हमने परचेज किया है या तो हमने सेल किया है, वो व्हीकल हम RTO पे जाए बिना कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और कैसे उसकी प्रोसेस कर सकते हैं, सब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन घर बैठे ही हम अपने मोबाइल से भी और या तो लैपटॉप से हम हमारा जो व्हीकल है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये सब कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लें कि हमें कोई भी व्हीकल ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले तो हमें थोड़े डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है व्हीकल की RC बुक, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा PUC और चौथे नंबर पे है कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, वो आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है या पासपोर्ट है, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करके 200 KB की साइज के अंदर हमें अपलोड करना है, इसीलिए सबकी साइज 200 KB तक की हमें पहले से ही रिसाइज करके रखनी है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, ताकि जब हम ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तब हमें दिक्कत ना पड़े। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए कैसे ये ऑनलाइन ट्रांसफर हम कर सकते हैं सीखते हैं। सबसे पहले हमें सर्च करना है सारथी परिवहन सेवा। सारथी परिवहन सेवा में सब स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे हम पर जाना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए अदर सर्विस पर जाना है। अदर सर्विस पे ओके करने के बाद नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाके हमें सबसे नीचे वाले पे सर्विस पे जाना है जहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उस पर मोर डिटेल्स पे ओके करना है। बाद में हमारा जो भी स्टेट है वो स्टेट ओके करना है। स्टेट ओके करने के बाद सबसे पहले हमारी जो RTO है वो RTO हमें सिलेक्ट करनी है। मेरी RTO जो भी हो, मेरी जूनागढ़ है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो भी RTO वो आप सिलेक्ट करके प्रोसेस पे ओके करिए। प्रोसेस पे ओके करने के बाद एक ऐसा पेज खुल जाएगा, अलग अलग सर्विसेज है जहाँ पे हमें दूसरे नंबर पे अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हीकल पे ओके करना है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा जो भी व्हीकल का, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे डालना है। बाद में नीचे जो चेसिस नंबर उसका लास्ट 5 अंक उस पे डालना है और वेरीफाइड डिटेल्स पे ओके करना है। नीचे हमारा मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे ओके देना है। हमारा जो भी OTP हमारे मोबाइल पे आए वो हमें यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करते हैं। ओके करने के बाद सीधा एक एप्लीकेशन एंटर फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पहले नंबर की सर्विस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे ओके करना है। वो पे ओके करेंगे तो डिटेल्स आएगी, वो डिटेल्स हमें हमारे जो भी नाम है वो हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब डाल देना है। मैं फटाफट डाल लेता हूँ, आप जी जो है वो डाल लीजिए। बाद में स्क्रॉल करके नीचे एड्रेस पूरा हमारा डालना है, जो भी हमारा एड्रेस प्रूफ हमने दिया है उसमें जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस हमें यहाँ लिख देना है। मैं फटाफट यहाँ एड्रेस लिख देता हूँ, आप भी जो अपना एड्रेस हो वो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करके लिख देते हैं। पहले ऑप्शन में जो पूरा एड्रेस है, दूसरे में हमारा जो विलेज या सिटी है वो सिटी, तीसरे ऑप्शन में जो पुलिस स्टेशन लैंडलाइन है यानी कि जो हमारा सिटी है वो सिटी का नाम डालना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना जो एड्रेस पूरा है, पूरा एड्रेस यहाँ डाल रहा हूँ। मेरा सिटी लैंडलाइन पुलिस स्टेशन है जो जूनागढ़ है तो डाल देता हूँ। बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारी है वो डिस्ट्रिक्ट में डाल लेता हूँ और यहाँ हमारा पिन कोड नंबर, जो भी पिन कोड नंबर वो डाल लेता हूँ। बाद में यहाँ पे परमिट सेम टू एड्रेस पे टिक कर लेते हैं। नीचे आने के बाद हमारी जो भी RTO है वो RTO सिलेक्ट करेंगे, ये खास ध्यान रखिएगा। बीमा की हमारा इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस देख लेते हैं और यहाँ हमारे गवर्नमेंट की फी आने के बाद सेव टू ड्राफ्ट पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे पे नाउ का ऑप्शन आएगा और हम पे नाउ कर देंगे।
पेनाव के नीचे हमें सबमिट करना है, नीचे टिक करके ये सब डिटेल देख लेनी है कि सही है, कंफर्म डिटेल्स देनी है। कंफर्म डिटेल देने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आएगा पेमेंट का, तो एसबीआई पेमेंट का जो भी हमारा कार्ड है उस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम आप देख सकते हैं कि एक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं यहाँ फटाफट अपना है जो कार्ड का नंबर वो डाल लेता हूँ। आप भी अपना जो भी कार्ड नंबर है या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं वो आप इसमें अपना कार्ड नंबर डाल के पेमेंट कर लीजिए। खास ध्यान रखिए कि इसमें कोई प्रकार की भूल ना हो, धीरे धीरे सोच समझ कर डालिएगा। नीचे पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे नाउ पे ओके करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे ऑप्शन करेंगे हमारे मोबाइल में ओटीपी एक आएगा, ओटीपी हमें यहाँ पे डालकर नेट पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कर देते हैं हम, हमारे यहाँ सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले हमें जो हमारे फी की रसीद है उसको जनरेट करके उसकी प्रिंट निकाल लेनी है। प्रिंट निकालने के बाद वो हमें एक प्रिंट हमारे पास रखना है। बाद में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है 29 नंबर का फॉर्म 30 नंबर का फॉर्म वो प्रिंट निकाल के सब अपलोड कर देंगे। एक एक आप देख सकते हैं कि पहले आधार कार्ड आया है तो आधार कार्ड डाल लेता हूँ। इस तरह हम सब अपने डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर लेते हैं फटाफट। चलिए ये सब डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद नीचे हमें बैक टू प्रीव्यू स्क्रीन पे जाना है और ओके देना है, और नीचे फाइनल सबमिट जो ऑप्शन है स्टेप थ्री वहाँ पे ओके देना है और प्रोसेस करना है आगे। प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, ऑप्शन में हमें अपॉइंटमेंट पे जाना है। अपॉइंटमेंट पे जाने के बाद हमारी रसीद में दी गई एप्लीकेशन नंबर यहाँ हमें डालनी है। जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है, हमने जो रसीद की प्रिंट निकाली है वो एप्लीकेशन नंबर पे हम यहाँ पे डाल देंगे, और वो डालने के बाद गेट यूज़र डिटेल्स पे ओके देंगे। जैसे ही ओके देंगे नीचे आएगा सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट, हमें कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस दिन आरटीओ पे वो सब डॉक्यूमेंट का काम हो सकता है। सो डिटेल्स, और हमें कोई भी एक टाइम सिलेक्ट कर लेना है। टाइम सिलेक्ट करने के बाद नीचे बुक यूज़र डिटेल्स पे यस दे देना है। यस देते ही एप्लीकेशन हमारे कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद हमें उसकी एक प्रिंट निकाल लेनी है, और वो प्रिंट हमें हमारे पास रखनी है, और जिस दिन की अपॉइंटमेंट है वो दिन हमारा काम ओके हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और मेरे चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए मैं नया वीडियो ला सकूं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।